Hey guys, welcome back to my channel. मैं रोहिणी once again आज आपके लिए अगेन एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ कुर्ता सेट्स. बहुत अमेजिंग कुर्ता सेट्स है. अंडर 700 रुपीज है, लाइक 600 700 रुपीज के अराउंड है, 500 के भी अराउंड है. तो 500 टू 700 के बीच वाले ये कुर्ता सेट्स है. एक्चुअली ये दुपट्टा सेट्स है बिकॉज मुझे स्पेसिफिकली अभी कुर्ता सेट्स से ज्यादा जिसमें दुपट्टा होते हैं वो वाले सेट्स बहुत पसंद आने लगे हैं. बिकॉज यू नो एक लुक भी बहुत अच्छा दिखता है एंड एक बहुत एलिगेंट एंड बहुत सुंदर दिखते हैं. सो बेसिकली अगर आपको आपका लुक एक डिसेंट लुक क्रिएट करना है तो ओनली कुर्ता एंड पैंट से अच्छा है एक दुपट्टा भी हो. जो दुपट्टा बहुत ग्रेसफुली आप कैरी करोगे तो बहुत अच्छे से आप आपके लुक को एनहांस कर पाओगे. तो चलिए फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं. बट पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और इसी तरीके की वीडियोस अगर आपको देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल को क्लिक कर देना जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और आपको वीडियोस मिलते रहेंगे. तो चलिए फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं ये दो जो है और साथ ही में एक जो कुर्ता है, कुर्ता जो सेट है जो मैं एक्चुअली यूज कर चुकी हूँ, लाइक ऑलमोस्ट इसको मैंने दो तीन बार, लाइक दो या तीन बार पहना है एंड इसके बाद मैंने इसको वॉश किया है. लाइक ऑलमोस्ट थोड़ी देर के लिए पहना, फिर थोड़ी देर के लिए पहना एंड देन उसको मैंने दो बार के बाद वॉश कर दिया. बट आफ्टर वॉश भी इसका क्या रिव्यू है ये भी मैं शेयर करूंगी. बट ये शेयर करूंगी मैं लास्ट में बिकॉज मीशो के कुर्ता सेट्स, मीशो के कपड़ों के ऊपर बहुत लोग ऐसे कमेंट्स आते हैं कि कपड़ा अच्छा नहीं होता है या फिर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, वॉश करने के बाद खराब हो जाते हैं. तो अगर किस तरीके से आपको खरीदने हैं एंड क्या तरीका आपको अपनाना है जिससे आपके जो कपड़े हैं वो खराब ना हो, सो बेसिकली ये अगर आपको जानना है तो इसके लिए लास्ट वाला प्रोडक्ट देखना जिससे मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे प्रोडक्ट चूज करना है एंड बेस्ट प्रोडक्ट, खराब ना होने वाला एंड फंसने ना वाला प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए क्या टिप्स अपना सकते हो. लेकिन उसके पहले मैं आपके साथ ये जो दो प्रोडक्ट हैं वो शेयर करना चाहूंगी. मैंने ना ये वाला पिक्चर देखा था, मैं आपको अब लगा दूंगी यहाँ पे अगर मुझे मिल जाता है तो. इतना डिसेंट मुझे ये कुर्ता सेट लगा, इतना डिसेंट, लाइक इवन अभी मैंने ये पकड़ा है तो इट इज एक्चुअली हैवी. सो बेसिकली ना मैं अभी बहुत फैन हो गई हूँ इंडिगो कलर्स या फिर व्हाइट कलर के लिए. लाइक अभी आप देख सकते हैं ये वाला जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो भी व्हाइट एंड नेवी ब्लू में ही है और ये भी उसी तरीके का है. वन मोर कुर्ता सेट है जो मैंने खरीदा था मीशो से, वो अभी मैंने आई थिंक शेयर किया है या नहीं किया है, आई डोंट नो. वो अभी मैंने एक्चुअली आयरन के लिए दिया हुआ है, अदरवाइज मैं आपको दिखाती. वो भी बहुत अच्छा है, वो भी इतना ग्रेसफुल है, मैं हमेशा उसको पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है एंड उसका दुपट्टा कैरी करना एंड एवरीथिंग ना मुझे बहुत पसंद आता है. सो मैं वो भी बहुत बार पहन चुकी हूँ. तो बाद में आपको इन केस कभी अगर मुझे देखो आयरन से आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी. सो वो भी कुछ ऐसा व्हाइट में ही है लेकिन उसमें ब्लू कलर नहीं है, उसमें थोड़ा सा पिंक एंड ग्रीन कलर है बट उसका बेस व्हाइट ही है. अभी अगर इस कुर्ते की बात करें तो हाथ में पकड़ते ही ना कुर्ते का ग्रेस इतना समझ में आ रहा है कि कपड़ा बेस्ट बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा है. क्योंकि बिल्कुल वैसे लगता है ना, हाथ में लेके ही पता चलता है कि ये हल्की क्वालिटी है या फिर कैसी क्वालिटी है. तो बेसिकली मैंने ये एक्सेल साइज में खरीदा है. यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगी मैं, ये कुर्ता सेट्स जो होते हैं, ये कुर्ता सेट्स की जो पैंट्स होती हैं, अगर आपकी बॉडी बहुत लेकिन नो चबी वगैरह है, थोड़े से थाइज अगर आपके ऑन हायर साइज हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप हमेशा ना एक साइज ऊपर मंगवाइए. जिससे क्या होगा, एक साइज ऊपर आप मंगाएंगे तो आपको पैंट जो है वो अच्छे से बैठ जाएगी. कुर्ता आप अल्टर साइड से करा सकते हो. जनरली अगर हम हमारा एक्यूरेट साइज अकॉर्डिंग टू आर बस्ट एंड वेस्ट साइज अगर मंगवाते हैं तो पैंट थाइज में टाइट हो जाती है और वो बीच में से फट जाता है. ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. सो बेसिकली ये होता है तो जनरल में मुझे जनरली बताना पड़ेगा, देयर इज नो शेम ऑन दिस. सो यहाँ पे मैंने खरीदा है एक्सेल साइज में, जनरली मुझे एल साइज आ जाता है. सो अकॉर्डिंगली ये मेरे लिए बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है बट स्टिल आई कैन ऑल्टर दिस. तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का यहाँ पे कुर्ता है, यहाँ पे लाइनिंग लाइक एक गले का पैटर्न बनाया है, ऑल ओवर आपको इसी तरीके का प्रिंट मिलेगा. इंडिगो पैटर्न है, फुल लॉन्ग है, यही वाला प्रिंट आपको मिल रहा है, लाइक यू नो पाइन ट्रीज के काइंड ऑफ का डिजाइन है. एंड इसकी जो पैंट है वो कुछ ना ऐसे डाई पैटर्न में है, इसकी जो पैंट है वो डाई पैटर्न में है.
तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप एक साइज बड़ा खरीदते हैं तो आपको पैंट्स बहुत अच्छे से फिटिंग में आती हैं। सो यहाँ पे आगे बेल्ट काइंड ऑफ है, बेली बेल्ट एंड पीछे इलास्टिक, एंड इसका अगर घेर देखा जाए तो पैंट का भी घेर अच्छा खासा है, एंड नीचे भी आपको ना कुछ ये चूड़ी काइंड ऑफ नहीं का लाइक थोड़ा सा वो झोल काइंड ऑफ पैटर्न, काइंड ऑफ झोला काइंड ऑफ पैटर्न है, तो अच्छा लगता है वो भी थोड़ा पंजाबी स्टाइल। तो ये रहा इसका पैंट। देन चलते हैं इसकी दुपट्टे की तरफ। तो दुपट्टे की क्वालिटी मिक्स पॉलिस्टर काइंड ऑफ मिक्सचर काइंड ऑफ है, कॉटन नहीं है, ये दोनों कॉटन है, कॉटन मिक्सचर है, बट ये कॉटन नहीं है, वो अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा मिक्सचर काइंड ऑफ कपड़ा है, लेकिन दुपट्टे में चल जाएगा बिकॉज दुपट्टा का लेंथ मैटर करता है एंड दुपट्टे का डिजाइन मैटर करता है। सो मेरे लिए तो फिलहाल दुपट्टे का डिजाइन मैटर करता है और लेंथ मैटर करती है। तो देखा जाए तो दुपट्टे में यहाँ पे पूरा आपको ये डाई प्रिंट मिलेगा एंड नीचे आपको ये वाला ये डिजाइन मिलेगा। सो ये रहा ये डिजाइन। ओके, एक ही कुर्ता दिखाने में मुझे 6 मिनट लग गए यार, क्या स्पीड है वीडियो की। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड कोई बात नहीं यार, फिलहाल जैसे 6 मिनट में 9 मिनट में 10-12 चीजें दिखाने से अच्छा डिटेल में अगर बताओ तो चीजें भी समझ में आती है कि क्वालिटी कैसी है क्या है। नेक्स्ट है ये, एक्चुअली जब मैंने इसकी पिक्चर देखी तो मुझे लगा ये बनारसी पैटर्न में मुझे कड़क आएगा, बट ये कड़क नहीं है, ये सॉफ्ट आया। आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न मुझे दिखा, मुझे क्या लगा वो सिल्क साड़ी के जो कुर्तीज होती है ना, सिल्क साड़ी का कुर्ती या फिर उसके जो कुर्तीज बनाते हैं, साड़ियों का कुर्ती दुपट्टा वगैरह बनाते हैं, उस काइंड ऑफ होगा। बट जब मुझे रिसीव हुआ तो मैं एक्चुअली हैप्पी हुई, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा वो कड़क वाला पैटर्न पसंद नहीं आता है। तो जब मैंने देखा तो ये शिफॉन में है, शिफॉन जॉर्जेट काइंड ऑफ है। सो इसकी कुर्ती भी बहुत लाइक यू नो लाइट वेट है। सो बेसिकली मुझे ऐसे कुर्तीज पसंद है जो लाइट वेट होती है, वो कड़क वाली होती है ना मुझे इतनी पसंद नहीं है। सो अगेन दिस इज अ गुड थिंग, और मुझे वाइन कलर एक्चुअली पसंद है, सो मैंने ये वाइन कलर में लिया। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी थे। जो स्लीव्स है ये ट्रांसपेरेंट आएगी, सो 3/4 स्लीव्स हैं। यहाँ पे गले में यहाँ पे ये पैटर्न दिया है एंड नीचे आपको यहाँ पे ये गोल्डन पैटर्न दिया है। सो ये हो गया कुर्ती। देन इसका जो पैंट है ये रेयॉन में आया है पैंट। सो अगेन इसका जो पैंट है नॉर्मल अच्छा खासा घेर है, यू कैन हैव इट लाइक कंफर्टेबली आपको हो जाएगा। सो ये वाइन कलर में है। इसका थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन मुझे डिफरेंट लग रहा है, बट इतना पता नहीं चल रहा है ना। ओके, इसके बाद इसका दुपट्टा अगेन सॉफ्ट में आया है। इसकी लेंथ के बारे में देख लेते हैं अभी, इसका लेंथ कैसा है। मुझे नहीं लगता है इसकी लेंथ कुछ अच्छी खासी होगी, बट या देखो जैसे मैंने सोचा था वैसे ही है। सो बेसिकली इसका ये दुपट्टा देखिए ये ऐसा है। सो बहुत छोटा सा दुपट्टा है, थोड़ा दुपट्टा ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, क्योंकि इसके प्राइस के हिसाब से 600 के हिसाब से दुपट्टा नहीं है, बिकॉज जनरली अभी तक मैंने जितनी भी कुर्तीज खरीदी हैं उसमें इतना अच्छे वाले दुपट्टे आए हैं ना, तो ये उसके हिसाब से इतना कुछ है नहीं। एंड दिस इज लाइक हाइट में भी इतना नहीं है, बट ठीक है चलो कभी तभी चल जाएगा। सो उसके हिसाब से है, एंड ऐसा तो नहीं लूंगी मैं, जनरली ऐसे ही लेती हूँ जिससे थोड़ा लुक अच्छा आता है। सो बेसिकली चलो थोड़ा बहुत यहाँ से वहाँ हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं मेरी लास्ट थर्ड कुर्ती के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वॉश करने के बाद कैसी है। सो मैंने इसको आयरन नहीं किया है, आज ही मैंने इसको वॉश कर लिया है, तो आज ही मैंने इसको डाला था कि मैं इसको आयरन करूंगी, तो सोचा मैंने चलो ये दो पार्सल्स भी आ गए तो साथ ही मैं इसको भी ले लूंगी। सो आप देख सकते हैं कितना ब्राइट कलर है, साथ ही में कॉटन है तो बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है, श्रिंक नहीं हुआ है, कलर भी वैसा का वैसा ही रहा है बिल्कुल भी। इसमें कलर भी ये मोर के जो पीस होते हैं उसके डिजाइन है इसके ऊपर, एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से इसकी यहाँ पे पाइपिंग जो बॉर्डर डिजाइन है वो है, एंड फुल ऑल ओवर आपको ऐसा मिलेगा। साइड में हेम में जो है आपको हेम में भी यहाँ पे डिजाइन मिलेगी। सो जब मैंने ये कुर्ती पहनी थी, ये कुर्ता सेट पहना था, तो बहुत लोगों को पसंद आया था, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मुझे मिले थे, बिकॉज ये इंडिगो पैटर्न ही बहुत सुंदर है। आई होप आपको उन दोनों में से ये बेस्ट पसंद आया होगा, तो मैं इसकी आपको जो कोड है वो नीचे दे दूंगी। इसकी जो पैंट है वो पैंट कुछ इस तरीके के डिजाइन में आई थी। सो ये देखिए ये डिजाइन में इसकी पैंट है। सो इसमें भी नीचे आपको इस तरीके का बॉर्डर मिलेगा। सो वॉश किया है इसलिए पूरा ऐसा हुआ है, अब इसको जब आयरन करूंगी मैं तो हो जाएगा। एंड इसका दुपट्टा, हाँ दुपट्टे की क्वालिटी अगेन इसकी कोई इतनी खास नहीं, बट जैसे मैंने बताया विड्थ एंड लेंथ मुझे हमेशा मैटर करती है,
सो विड्थ एंड लेंथ इज गुड इनफ, सो जो मुझे बहुत पसंद आई. एंड साथ ही में इसका क्वालिटी इतना लाइक ठीक ठाक है, ऐसा कुछ बहुत खराब नहीं है. बट या आई लाइक इट बिकॉज ये अंदर से व्हाइटिश है, बट या आपको ऐसे ही पहनना है. सो कलर बहुत अच्छा लगा मुझे, इंडिगो कलर है, ब्लू कलर है, तो बेस्ट लगा मुझे. सो या ये तीनों ही सेट ठीक लगे, बस लास्ट जो वाइन वाला था उसमें जो दुपट्टा का था वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, बट ठीक है चलो कुछ अलग वाइन होगा तो मैं वो ऐड करूंगी, अदरवाइज चल जाता है, इतना कुछ नहीं है अगर अच्छे से उसको कैरी आउट करे. तो या ये था आज का वीडियो. कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मुझे जरूर बताना. एंड अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ. और इसी तरीके के वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बिकॉज बहुत सारा अमेजिंग कलेक्शन और आने वाला है आगे, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे यू नो लाइक स्किन केयर हेयर केयर टिप्स आने वाले हैं. एंड या नाउ आई एम बीइंग एक्टिव ऑन दिस चैनल, सो अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं एक और नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय. प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज वॉच आवर वीडियोज. बाय.